हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? तो मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। आई होप कि आपको पसंद आए। और आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा, क्योंकि आज संडे है। तो हम नहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब हम जाने वाले हैं। यहाँ से गुरुद्वारा है लगभग आधा घंटा। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो गाइस, आज के वीडियो में आप सबको स्वागत है मेरी तरफ से। और चलते हैं गाइस। गाइस तो देख सकते हो हम चल चुके हैं। हम रास्ते में हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं। ना सुबह सुबह मत्था टेकने जा रहे हैं ना, इसलिए देख सकते हो गाइस रोड भी खाली खाली है, क्योंकि सुबह भी नहीं होता, खाली होता है। बस यहाँ पे दोपहर से लेकर शाम रात को निकल देता है। इतना खाली हो गया है, इतना सुंदर लग रहा है। आज संडे है इसलिए देख सकते हो रोड भी कितना खुला खुला सा है, ट्रैफिक एक भी नहीं है। तो हम सुबह आज जल्दी उठने वाले थे पर नहीं हुआ ऐसा। तो रात को थोड़ा काम था तो हम लेट सोए थे, तो सुबह में भी लेट हो गई। उसके बाद नहा धो के फिर रेडी होने में टाइम लग गया। तो हमने ना आज ना कुछ भी नहीं खाया है, बिना कुछ खाए पिए ही आ गए, ऐसे ही चल दिए रेडी होके। अब लग रहा है कि अब वहाँ जाके ही कुछ खाएंगे। और देख सकते हो गाइस, ये पटियाला का लास्ट चौक हमने पार कर चुके हैं। और अब चलो हम मेन रोड पे आने वाले हैं। देख सकते हो गाइस, अब हम मेन रोड आ चुके हैं। और ये नेशनल हाईवे है और ये रोड बठिंडा को चंडीगढ़ से जोड़ता है। हम ना कितने दिनों के बाद राइडिंग पे गए हैं। देखो ना कितनी अच्छी है खेत, यहाँ के प्लेन्स एरिया के कितने कितना अच्छे लग रहे हैं ना। हमारे यहाँ वहाँ हिल साइड पे तो ऐसे नहीं होते, बस यहाँ प्लेन साइड पे होते। वाह देखो ना, फाइनली हम 30-40 मिनट्स के बाद हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा। देख सकते हो कितना अच्छे लग रहे है गाइस। मैं ना फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ गुरुद्वारा, अभी तक आया नहीं था, जस्ट मैंने देखा भी नहीं था, बस इस फर्स्ट टाइम है मेरा। चलो चलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा में। जब भी जाते हैं ये तो सर ढक के जाना पड़ता है। तो हम देख सकते हो यहाँ गुरुद्वारा, यहाँ का व्यू देख सकते हो, दिख रहा है यहाँ के व्यू देख सकते हो। तो हम अब अंदर लेके जा रहे हैं आप लोगों को। बताना कि यार कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा यहाँ के व्यू। व्यापार करो व्यापारी लगन भक्त कुमारी कट प्रथम मान कबार मां आवे जाए। मैंने चप्पल खोल के अब पैर धोया, क्योंकि यहाँ पे ना जो भी आते हैं हाथ पैर धो के ही जाना पड़ता है, ये ना कंपलसरी है। जब भी हम माथा टेकने जाते हैं गुरुद्वारे पे तो हमें हाथ पैर धोना ही पड़ता है, सर ढकना ही होता है। और सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को अंदर की शूट वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि अलाउड नहीं था। तो मैं बस आपको बाहर बाहर का ही व्यूज़ दिखाती हूँ गाइस, अंदर नहीं अलाउड है वीडियो करना। हम पहुँच भी चुके थे, टाइम से पहुँचा
हमने अंदर जाके माथा भी टेक लिया और प्रसाद दिया था उन्होंने, तो प्रसाद भी खा लिया। चलिए अब इस तरफ देखते हैं फाउंटेन की, फाउंटेन गाइस। तो मैंने जब वहाँ पहले वीडियोस इस साइड वीडियोस दिखाई थी, वहाँ पे है फ्रंट जहाँ मेन गेट है जहाँ से हम एंट्री करते हैं, और ये है साइड के, लेफ्ट साइड के है, यहाँ ऐसा व्यू है। तो गाइस मैंने स्टैचू था एक, तो मैंने उसके साथ भी फोटो क्लिक किया। मैं ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए ये भी 4-5 फोटो तो क्लिक कर लिया। कैसा लगा आप लोगों को इंस्टा? तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी दूंगी, तो फॉलो कर सकते हो, उस पर भी आप सब व्यूज दिखाती हूँ। ये पीछे से गाइस यहाँ की थोड़ा व्यूज दिखाती हूँ। यहाँ पे ऐसा है, ये देख सकते हो, यहाँ पे वाटरफॉल है, देख सकते हो आप। यहाँ पे हमने लंगर खाई थी, तो बर्तन खुद ही धोना पड़ता है, तो मैं धो रही हूँ, ये धो भी लिया। गाइस देख सकते हो अब ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे ये है, ये है, और ये और यहाँ पे है। देखो ना गाइस कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ के व्यू है ना वाकई ही बहुत बढ़िया लग रही है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, शायद मैंने अच्छे से नहीं किया होगा, पर भी आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छे से करने का ट्राई करूँगी। तो गाइस आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना कैसा लगा मेरा वीडियोस। तो सब्सक्राइब माय चैनल।